अपना विश्वास जताया और हमारे संरक्षण श्री सुजान सिंह जी बुंदेला जी पूर्व सांसद जी उनके भी चरणों में नमन करता हूँ और हमारे प्रभारी श्री लाला राम जी हरवार और यहाँ सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ और सभी साथियों से केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज जिस राजनीतिक मेरे पिताजी को आज जेल भेजा गया है उस सरकारियों को आपको अपनी वोट रूपी ताकत से जवाब देना है और उनको विधानसभा भेजना है। केवल इतना निवेदन है मेरा कि मैं आपके सामने एक नेता का बेटा खड़ा हूँ और आपके चरणों में नमन करता हूँ और आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से केवल उन षड्यंत्रकारियों को जवाब देना है जिसकी वजह से आज मेरे पिता जेल में हैं और मेरा परिवार आज कितना फूट फूट कर रो रहा है ये आप लोग जानते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से निवेदन है कि हर व्यक्ति हर कार्यकर्ता रमेश खटीक बनकर ही चुनाव लड़ेगा। धन्यवाद। जय भीम। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।